हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ स्वागृति। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्लड एंड डेफिनेशन ऑफ ब्लड। सो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। द रेड लिक्विड दैट सर्कुलेट इन द आर्टरीज एंड वेन ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर वर्टेब्रेट एनिमल कैरिंग ऑक्सीजन टू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी। मीन्स ब्लड क्या है? ब्लड एक रेड लिक्विड है। ब्लड क्या है? एक रेड लिक्विड है जो कि आर्टरी और वेन में, जो ह्यूमन होता है यानी कि जो हम लोग हैं या अदर वर्टेब्रेट एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स हैं, हम लोग हैं या जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें, उनकी आर्टरी एंड वेन में ये जो रेड लिक्विड होता है ये सर्कुलेट होता रहता है। और क्या ये ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, वो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ तक ले जाता है। ब्लड के ही जरिए टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचती है एंड वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको ये वहाँ से वापस लाता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक रेड लिक्विड है जो कि सर्कुलेट होता है आर्टरी एंड वेन में ह्यूमन की एंड अदर वर्टेब्रेट एनिमल्स में। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यूज़ तक और ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड एक रेड लिक्विड है जो कि आर्टरी एंड वेन में ह्यूमन एंड अदर वर्टेब्रेट एनिमल में सर्कुलेट होता रहता है कंटिन्यू, और ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से वापस लाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो होता है वो मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सेल। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनसे मिल करके जो है हमारा ब्लड बना हुआ होता है। एंड जो प्लाज्मा होता है वो 55% प्लाज्मा जो होता है वो 55% ब्लड में 55% टोटल वैल्यूम होता है प्लाज्मा का। और सेल का जो टोटल वैल्यूम होता है वो होता है 45%। सेल का जो टोटल वैल्यूम होता है वो 45% एंड प्लाज्मा का जो टोटल वैल्यूम होता है ब्लड में वो 55% होता है। जो ये हमारा सेल का है टोटल वैल्यूम ब्लड में 45%। अब हम पढ़ेंगे ये ब्लड जो है वो उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एंड प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एनिमल्स एंड प्लाज्मा होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्म्ड एलिमेंट में जो है RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। एंड जो RBC होती हैं वो कितनी होती हैं? 4.2 to 6.2 पर mm³। आप RBC जहाँ पे लिखा है उसके सामने आप देखेगा, आपको उसकी क्वांटिटी पता होगी कि RBC में, RBC को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, RBC जो कितनी होती हैं 4.2 to 6.2 पर mm³ होती है। और WBC को हम वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये कितनी होती हैं 5000 to 10000। ये रेड पेन से लिखा है WBC के सामने, ये क्वांटिटी होती है जो कि ब्लड में WBC जितनी पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स फ्रेंड कितनी होती है? प्लेट्स होती हैं 1 lakh to 4000 टू 3 lakh 40000 mm³ होती हैं। अब इसमें न्यूट्रोफिल्स भी होती हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड में, इजनोफिल्स होते हैं ब्लड में, बेसोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स फ्रेंड्स कितने होते हैं? न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो होते हैं 40 to 70%, लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 to 40% एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं वो 2 to 10% होते हैं, और इजनोफिल्स जो होती हैं वो 1 to 6% होते हैं, और बेसोफिल्स जो होती हैं वो 1% होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये चार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है अभी 55% टोटल वैल्यूम जो होती है वो 55% प्लाज्मा ब्लड में होता है। और इसमें एंजाइम्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं एंड विटामिन होते हैं।
अब इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये एल्बुमिन होती है 55%, ग्लोबुलिन होती है 38%, एंड जो हमारा फिब्रिनोजन है, ये हमारा फिब्रिनोजन जो होती है वो 7% होता है, एंड प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो 70 to 130% होता है। आप अच्छे से देखिए, जो प्रोथ्रोम्बिन लिखा है उसके आगे इस रेड पेन से लिखा है 70 to 130%, एंड प्रोटीन जो है वो 7% होता है, बाटर जो होता है लास्ट 92% होता है। तो हमने पूरा जो है चार्ट ये पढ़ा, आई थिंक आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से लर्न कर सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्लाज्मा का प्लाज्मा प्रोटीन का जो फर्स्ट फंक्शन होता है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किस किस चीज़ का, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसका ये, द प्रोटीन फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन में जो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लड को कोगुलेशन में, मतलब ब्लड को जमाने में। जैसे कि जो हमारे जब में चोट लग जाती है तो जो ब्लड होता है वो निकलता है, तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन की वजह से ही ब्लड का कोगुलेशन यानी कि वो जम पाता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन उसमें भी मदद करता है। अब थर्ड जो हमारा फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन का, वह है प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प टू मेंटेन विस्कोसिटी एंड ब्लड प्रेशर। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है कि मदद करता है, प्लाज्मा प्रोटीन मदद करता है विस्कोसिटी को मेंटेन करने में, प्लाज्मा प्रोटीन विस्कोसिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। अब फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ ये जो प्लाज्मा प्रोटीन का वर्क है वो हम पढ़ेंगे कि ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड एंटीबॉडीज। जो ग्लोबुलिन होता है प्लाज्मा का, जो ग्लोबुलिन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम को सिंथेसिस करने में इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिससे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा फंक्शन नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन का, ये 5, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है प्लाज्मा प्रोटीन आउट एज बफर्स इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। क्या करता है प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेलुलर एलिमेंट्स ब्लड में कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स, एक होता है प्लेटलेट्स, जिसे हम RBC बोलते हैं, इसको हम RBC भी बोल सकते हैं, और WBC को हम वाइट ब्लड सेल्स को हम WBC भी बोल सकते हैं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और यूरिथ्रोसाइट रेड ब्लड्स को यूरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं, वाइट ब्लड्स को ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड के फंक्शंस। और ब्लड अब हमने पढ़ेंगे, ब्लड हैज़ 3 मेन फंक्शंस। ब्लड के क्या क्या हैं, 3 मेन फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, एक ट्रांसपोर्ट करना, एक प्रोटेक्शन, एक रेगुलेशन। ट्रांसपोर्ट करना तो आप समझ गए होंगे कि पहले हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट करना, काय का ट्रांसपोर्ट करना, जो जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के टिश्यूज तक ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के टिश्यूज से वापस लाता है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट। प्रोटेक्शन करता है एंड रेगुलेशन करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कि अब हम ट्रांसपोर्ट एक बार देख लेते हैं कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट फंक्शन क्या होता है। जैसे ब्लड जो होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट द फॉलोइंग सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस नेमली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी।
क्या हमने बताया अभी कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी तक। मींस वही है कि ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज तक पर पहुंचाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बॉडी के टिश्यूज से वापस लाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टोरेज साइड इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको भी स्टोर करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो उसमें जितने भी, जैसे हमने कुछ खाना खाया है तो उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं खाना में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये अब्सॉर्ब कर लेता है एंड ब्लड के द्वारा ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ब्लड के ही द्वारा वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, तो खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के ही थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बेस्ट प्रोडक्ट टू बी डिटॉक्सिफाइड और रिमूव्ड बाय द लीवर एंड किडनी। तो ब्लड एक और मैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है ब्लड का कि ये बेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारी बॉडी में बेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते हैं, जो डिटॉक्सिफाइड होते हैं यानी कि हमारी बॉडी में बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लीवर एंड किडनी के थ्रू ब्लड बेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है, हटा देता है, या कह सकते हैं ड्रेन आउट कर देता है, निकाल देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो ब्लड का फंक्शन है ये हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड्स इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड इन देयर टारगेट सेल्स। मींस क्या है कि जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो ये हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप हार्मोन्स होते होंगे आप जानते, जैसे जीएच हार्मोन होता है, एसजीएच हार्मोन होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे जीएच है, एलजीएस है, इन ये सब जो हार्मोन्स निकलते हैं तो जहाँ पे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, मतलब कि जिस जगह पे उन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है तो वो ग्लैंड से उन जगह तक हार्मोन्स को पहुंचाता है। ये काम कौन करता है? ये भी काम ब्लड करता है कि ब्लड के ही थ्रू जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्लैंड से निकलते हैं तो वो सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, फिर हार्मोन्स अपना काम जो भी होता है हार्मोन्स का वो स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है ये हीट टू द स्किन सो एज टू हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है कि ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड है एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ये हमारी स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ब्लड का जो है वो महत्वपूर्ण वर्क है क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ब्लड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या है कि ब्लड का प्रोटेक्शन में क्या रोल है? तो ब्लड हैज़ सेवरल रोल्स इन इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन में बहुत ज़्यादा सब अलग अलग रोल्स होते हैं ब्लड के, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमने सेलुलर एलिमेंट में पढ़ा है एक ल्यूकोसाइट भी था यानी कि WBC। ल्यूकोसाइट को हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो भी हमारी बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है, एंटर कर जाता है, या कैंसर सेल्स कोई होती हैं तो उनको क्या ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने का मतलब है फिर हमारी बॉडी में नहीं रह जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कौन करता है? WBC करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये वाला, नेक्स्ट जो है हमारा एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक सब्सटेंस। एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन, कोई कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं एंड कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेनिक सब्सटेंस को। ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं एंड कुछ अदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि पैथोजेनिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ब्लड का,
platelets factor initiates blood clotting and help to minimize blood loss. क्या करता है platelet जो होता है वो बचाता है, मतलब कि अगर हमें जैसे चोट लग जाती है ठीक है, तो क्या होता है ब्लड निकलने लगता है बाहर, है ना, तो ब्लड निकलने लगता है. अगर प्लेटलेट्स ना हो तो कंटिन्यू जो है ब्लड बाहर निकलता रहता है. तो प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी कि ब्लड को जमाने में मदद करता है. बहुत मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसका जो है फंक्शन है. आप नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेशन. रेगुलेशन में ब्लड का क्या इम्पॉर्टेंस है, तो ब्लड हेल्प रेगुलेट, ब्लड जो है वो रेगुलेशन में भी मदद करता है. तो क्या मदद करता है, पीएच बाय इंट्रैक्टिंग विद एसिड बेस बैलेंस. क्या करता है, ब्लड जो होता है वो पीएच के लेवल को भी हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है. नेक्स्ट फंक्शन है वाटर बैलेंस. नेक्स्ट फंक्शन है वाटर बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू एंड फॉर्म टिश्यू. क्या कहते हैं, वाटर बैलेंस को बनाए रखता है, ट्रांसफरिंग वाटर टू एनी फॉर्म ऑफ टिश्यूज. और वाटर बैलेंस जो है बाय ट्रांसफरिंग, ये ट्रांसफ़र करता है जो टिश्यूज तक वाटर बैलेंस को ट्रांसफ़र करता है. तो रेगुलेशन में यानी कि पीएच के लेवल को मेंटेन रखता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है और टिश्यूज तक वाटर बैलेंस को ट्रांसपोर्ट करता है. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा आज, डेफिनेशन ऑफ ब्लड पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ ब्लड जो कि रेड लिक्विड सब्सटेंस होता है, रेड लिक्विड होता है जो कि आर्टरी एंड वेन में सर्कुलेट होता रहता है. और पढ़ा हम लोगों ने कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो कि प्लाज्मा एंड सेल से मिलकर बना हुआ होता है. ब्लड का चार्ट पढ़ा हम लोगों ने आज और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा. एंड हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा, एक बार दो बार तीन बार वीडियो बार बार देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा. सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स.